क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा में आपदा पीड़ित 4 परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि सभी 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के खजाने का अधिकार सबसे पहले पीड़ित परिवारों को होता है। साथ ही बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में आगमन को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये देश सभी धर्म का है। धीरेन्द्र शास्त्री प्रेम भाईचारे के लिए पटना आ रहे हैं तो उनका स्वागत होगा। कि बिहार की जनता और देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि 2024 भाजपा से भारत मुक्त होगा, उसके लिए पूरी योजना बन चुकी है। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार देश के सभी विपक्ष के नेताओं को एक करने में लगे हैं। ये सबसे बड़ा घबराहट का काम है। दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम से सिर्फ नहीं काम चलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। वही बिहार के मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। बताया जा रहा है कि एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी टीम ने बड़ी लूट की घटना के पहले ही 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 10 कारतूस और 7 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वही पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। 7 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हरसती थाना अंतर्गत कोबिया पुल के पास से ये सभी अपराधी एकत्रित हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने चाह रहे हैं। सूचना के उपरांत SDPO अरेराज रंजन कुमार के अपनी टीम में गठन किया गया था। इसमें थाना प्रभारी हरसती SI विक्रांत सिंह, DIU से सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के बनेल पट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 4 में नाबालिग बच्ची की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतका की मां ने ही नाबालिग बच्ची की हत्या का साजिश रची थी और देवर ने गले में रस्सी बांध कर हत्या कर लाश को मकई के खेत में फेंक दिया। दरअसल मृतका की माँ और अविवाहित चाचा से अवैध रिश्ता था और घटना के 1 दिन पहले ही नाबालिग बच्ची ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते बच्ची की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। साहिबगंज में इन दिनों सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला समाहरणालय भवन के मुख्य द्वार से सामने आया है, जहां DDC कार्यालय की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह बीच सड़क पर गिर गया। वहीं दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर एकजुट हो गए। इसके बाद आनंद फानन में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं
वहीं भागलपुर की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांजे की तस्करी कर कुरसेला से भागलपुर की ओर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष दल का गठन किया और भागलपुर 0 माइल चौक के पास सघन वाहन चेकिंग की और चेकिंग में एक बस की तलाशी भी ली गई, जिसमें 10 किलो गांजा, 700 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन और एक ट्रॉली बैग और 2 लेडीज साइड बैग के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेड़का गांव मस्जिद तल के एक तालाब में कुछ शरारती तत्वों ने तालाब में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिससे तालाब की सभी मछलियां मर गई, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पीड़ित आसिफ ने बताया कि कुछ समय पहले गांव के लोगों से तालाब के कब्जे को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसे लेकर गांव के कुछ लोगों ने तालाब में जहरीली दवा मिला दी है, जिसके कारण तालाब में पल रही लगभग 4000 मछलियां मर गई। फिलहाल पुलिस ने तालाब के पानी को मेडिकल टेस्ट के लिए लैब भेज दिया है। डाल दिया सुबह में, गांव के मानिंदे लोग हैं, 3-4-5 आदमी हैं साथ में, समझो वो बोला डालने नहीं देंगे। हमने डाला था वो आज सुबह में, हम पानी, मेरा बराहिल पानी देवे आया तो वही बोला कि मछली में पूरा मछली मरा हुआ है। लैब में चेक कराने ले गए तो इसमें जहर है। अभी प्रशासन उरशासन भी आया था, प्रशासन आके FIR हुआ है, FIR के बाद अभी शाम में फिर थाना बुलाया है। तो अभी कुछ बोला नहीं है प्रशासन? प्रशासन बोला। वहीं मोतिहारी में आग ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बताया जा रहा है कि शहर के अति व्यस्त सड़क बलुआ, रेलवे गुमटी और जिला स्कूल के सामने अस्थायी रूप से घर बनाकर रह रहे दलित बस्ती के लोगों के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही लाखों की संपत्ति के साथ कई मवेशी भी जलकर खाक हो गए। वही घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कितने घर में आग लगा? कम से कम 10-12 घर है। कितने का क्षति हुआ? कम से कम 5 लाख रुपए का क्षति हुआ है, गाना वाला लेकर 5-6 लाख रुपए का क्षति हुआ। और कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? गाड़ी तो अभी 3 आई थी। आग पर काबू पाया गया? आग बुझा दिया गया? आग मतलब कि बुझा दिया गया, मतलब कुछ जानकारी हुआ कि नहीं कि क्या कारण हुआ आग लगने का? खाना बनने से हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। कितने गाड़ी फायर ब्रिगेड से आई थी? 4-5। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए प्राइम बिहार के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गोलघट पीर दरगाह के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मॉर्निंग वॉक पर निकली दो महिला को कुचल दिया, जिससे दोनों महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और घटना में दो और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात ट्रक का पता लगाने में जुटी हुई है। बगल चल रहे थे एकदम बगल, वो जो सफेद लाइन जो रहता है ना उसके नीचे ही चल रहे थे। तो क्या हुआ, कौन गाड़ी धक्का मारा? बड़ा वाला गाड़ी था। बड़ा वाला गाड़ी आया, धक्का मार दिया। हाँ। तो आप भी घायल हैं उसमें? क्या नाम है आपका? वही भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के नीचे सब्जी मंडी में बेखौफ अपराधियों के द्वारा एक महिला पर चाकू से कई बार वार किया गया, जिसके बाद घायल महिला को पुलिस और आम लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में लाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं मृतक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और जाँच भी किया जा रहा है कि ये कौन है, उनके साथ क्या बर्बाद हुआ है, तो सब जांच हो रहा है। पोस्टमार्टम में भी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो जांच के लिए दीजिए पहले। किस तरह से हत्या हुई है सर? ये पोस्टमार्टम के बाद ये पता चल पाएगा। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बता पाएंगे। चाकू लगने का अब तक ऐसा लग रहा है, लेकिन डॉक्टर जो बता पाएंगे मेडिकल जाँच के बाद ही है। भागलपुर के सदर अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल कैंपस के ठीक पीछे मिर्जानाहट सीताला स्थान चौक के पास एक व्यक्ति अचानक मूर्छित होकर गिर गया और एक घंटे तक मूर्छित ही गिरा रहा, लेकिन अस्पताल का ना तो कोई कर्मचारी और ना ही कोई गार्ड ने इसकी पहल की। वहीं जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तब गार्ड और कर्मचारी ने मूर्छित पड़े व्यक्ति को इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। आईवी लगवा रहे हैं, अभी उसमें आ रहे हैं, तो उसके बाद नॉर्मल उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो चलेगा। क्या लगता है सर, क्या मिर्गी? मिर्गी का लक्षण लग रहा है। इलाज शुरू हो गया? हाँ हाँ, इलाज शुरू हो गया, लगा दिया। ज़्यादा देर तक रहता तो सांस रुक जाने पर दिक्कत हो जाता है। हो जाता है। भागलपुर जिले में नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रतिपुर पंचायत के अजमेरी गांव में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। हालांकि घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं मौके पर तीन थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पछिया से लगले कोई पता नहीं है कैसे लगले, हमें नहीं जानकारी उतना है हमरा। अच्छा तो की मतलब आग फैली गई पूरा? हमरा एक दौड़ता दौड़ता आग फैली गई एकदम से पूरा से। अच्छा पूरा जल गया? पूरा जल गया, सब चीज जल। क्या क्या क्षति हुआ आपका? सब चीज जल गया, पूरे सामान कुछ नहीं निकल पर कुछ नहीं निकल पाए। क्या क्या था सामान में घर में? बहुत चीज है घर में। वहीं भागलपुर जिले के मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई। भागलपुर सुल्तानगंज के मसदी पंचायत के मसदी गांव के रहने वाले किसान संतोष मंडल के पुत्र रोशन कुमार मणिपुर हिंसा से वापस लौट आए हैं, जिसके बाद छात्र के माता पिता ने पुत्र के आने पर खुशी जताई है। बंद हुआ इंटरनेट सेवा बंद कट गया था, उस दिन से बहुत चिंतित में थे। रोशन कुमार का इंटरनेट से बात नहीं हो रहा था, हमको पता चला तब दो दिन से, पता नहीं खाना भी नहीं खाए थे दो दिन से हम, तो बोला कि ऐसा ऐसा रोशन फंस गया है, बमबारी हो रहा है, गोलाबारी हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं था। तो बहुत डरे हुए थे? डरे हुए थे, डरे। हम खुद को बहुत खुश हुआ और जो भी बच्चा वहाँ फंसा हुआ है हम राज्य सरकार से यही कहते हैं कि वो बच्चा आ जाए वापस लाए जाए। तो जिस समय उसमें हिंसक हो रहा था, आपके बच्चे फंसे हुए थे, कैसा महसूस कर रहे थे आप?
जैसे कि किसी को काटता है तो ब्लड नहीं जाता है, उसी तरह लग रहा था कि ब्लड नहीं निकले, डरे हुए थे जी। और बोला गया कि घर चले जाओ अभी। आप लोग मणिपुर में कितने वर्षों से कहाँ रह रहे थे? हम लोग वहाँ 3 वर्षों से इम्फाल पश्चिम में, वहाँ के लैंगोल शहर में बीटेक की पढ़ाई NIT कॉलेज से कर रहे थे। 3 वर्षों से तो ये कब से हिंसक की आपने खबर तो बहुत पहले से आ रही थी, पर हमारे कॉलेज के नज़दीक कुछ नहीं था वहाँ। वहीं अगली खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के धमोरा गांव में बारात आई ऑर्केस्ट्रा नर्तकी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़िता ने बयान में बताया कि बारात में प्रोग्राम खत्म होने के बाद महिला वापस जा रही थी, तभी गांधी चौक के पास कुछ अज्ञात मंचलों ने ऑर्केस्ट्रा की गाड़ी घेर ली और उसमें बैठी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के बाद एक नर्तकी को जबरदस्ती ले गए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म भी किया। वही बचे कुछ अन्य कर्मियों ने शोर मचाया, जिसे सुन ग्रामीणों ने पहुंचकर एक मनचले को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। कुछ 15 आदमी रहा था और आदमी चढ़ गया पाछे से, हम लोग मोड़ पर जब आया ना गाड़ी धीरा किया तो लोग चढ़ गया और आदमी बाइक से घेर रहा था, आगे से नहीं रोक रहा था तो बहन कुछ चढ़ कर लाड़ने मारने ड्राइवर को हाथ से खींच दिया और लोग चढ़ कर लेडीज को पकड़ कर झोलता नीचे फेंक दिया। हम नीचे कूदे वहाँ पर साला 3 आदमी पकड़ कर मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया, मार दिया, लेडीज का 2 आदमी लेकर भाग गया। सके लड़की पकड़ खींचा था, वो खींच कर फेंक दिया था। कौन जगह पे? नीचे फेंक दिया। कहाँ पे? वो कौन गाँव है? गांधी चौक। अच्छा, आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग गए थे दमौरा प्रोग्राम। कहाँ से भरा था? भगवान कहा गया था। अच्छा, वहां पे बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।